हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स केक। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत इजीली बन भी जाता है। इसके लिए हमें कोई फ्रॉस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही बहुत अच्छा होता है। और मैंने इस केक को कढ़ाई में बनाया है क्योंकि हर एक के घर में ओवन माइक्रोवेव इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि वो केक कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए ये कढ़ाई में मैंने केक बनाया है और ये देखिए, ये केक बहुत स्पॉन्जी भी बना है। तो चलिए देखिए मेरी रेसिपी जो मैंने बनाई है, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट्स केक बनाना। ड्राई फ्रूट्स केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप मेल्टेड बटर या फिर रिफाइंड ऑयल, 1/2 कप मिल्क, वनीला एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने 1 पिंच नमक लिया है, आधी चम्मच बेकिंग सोडा, 3 अंडे लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने 20-25 बादाम लिए हैं, 20-25 काजू लिए हैं और बहुत सारी किशमिश ली हैं। आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वैसे कम ना करें तो अच्छा होगा क्योंकि ड्राई फ्रूट्स केक है, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट्स केक बनाना। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें तीनों अंडों को फोड़ लेंगे। यहाँ हमने 3 अंडे ले लिए, अब हम इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में इसको फेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने अंडे को 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। देखिए इसमें हल्के हल्के बबल्स भी नज़र आ रहे हैं। अब मैंने जो पाउडर शुगर लिया था 1 कप, मैं उसको ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से अंडे के साथ मिला लूंगी। यहाँ पे मैंने अंडे को और पाउडर शुगर को अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट सा बन गया इसका, अंडा और पाउडर शुगर का। अब मैं इसमें मेल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। याद रखें आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बटर यूज़ किया है 1/2 कप। अब इसको भी अच्छे से इसमें मिला लें। ये लीजिए, मैंने इसके साथ बटर भी अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए। अब मैं इसमें जो मैंने मैदा लिया था इसकी आधी क्वांटिटी इसमें डाल दूंगी और आधी बाद में यूज़ करूंगी। तो चलिए पहले आधा इसमें डाल देते हैं, ये देखिए आधा मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिलाना है, तो इसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिला लें। ये लीजिए मैंने आधा मैदा इसमें मिला दिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप जो मिल्क है वो ऐड करूंगी। ये मैंने पूरा यहाँ पे 1/2 कप मिल्क डाल दिया है और इसको अच्छे से इसमें मिला लूंगी। मैंने इसमें 1/2 कप मिल्क मिला दिया है। अब मैं बाकी का बचा हुआ जो आधा मैदा है वो भी इसमें अच्छे से मिला दूंगी। अब इसको अच्छे से मिला लें। मैंने यहाँ पर बाकी का बचा हुआ मैदा भी मिला दिया है। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक मिला दूंगी। इनको भी अच्छे से इसमें मिला लें। इसमें मैंने नमक और बेकिंग सोडा दोनों अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस मिला रही हूँ और इसको भी इसके साथ अच्छे से मिला लें। मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस भी अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं ये पेस्ट काफ़ी स्मूथ है, हमें इतनी ही स्मूथनेस इसमें चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वनीला एसेंस और भी मिला सकते हैं। वनीला एसेंस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें मोस्टली वनीला एसेंस ही ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ मिला लिया है, हमारा सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बचते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी हम थोड़ा काजू और बादाम को अच्छे से बारीक काट लेंगे या फिर छोटे टुकड़ों में पीस लेंगे। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं काजू बादाम के, और किशमिश साबुत रखे हैं और कुछ काजू बादाम मैंने अलग से रख दिए, काजू बादाम और किशमिश जो मैं बाद में ऊपर से डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी जब केक रख देंगे हम। तो तब तक हम इसको आधे ड्राई फ्रूट्स के इसमें मिला लेते हैं और थोड़े से इसी में रहने देंगे। इनको अच्छे से मिला लें। क्योंकि हम केक कढ़ाई में बना रहे हैं तो पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे, जैसे ओवन को प्रीहीट करते हैं। हम ये केक कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को
मैं इस प्लेट थाली से झुक रही हूँ और गैस को ऑन करके 5 मिनट इसको ढक के रखूँगी ताकि हमारा कढ़ाई अंदर की कटोरी और ये थाली प्लेट अच्छे से गर्म हो जाए। मैं यहाँ पे सॉल्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ पे नमक भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने पिछले केक में भी अपने नमक और स्टैंड का यूज़ नहीं किया था, मैंने पिछले केक में भी कटोरी का ही यूज़ किया था, तो मैं इसमें भी कटोरी ही यूज़ कर रही हूँ। आपका ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको गर्म होने रह देते हैं। हम केक इस स्टील के बर्तन में बना रहे हैं, तो चलिए पहले इसको तेल से ग्रीस कर लेते हैं। हमने इसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क दें, मैदा अच्छे से हर जगह। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मैदे से छिड़क दिया है। इसे तेल और मैदा लगाने से ये होता है कि हमारा केक चिपकता नहीं और ईजिली निकल जाता है। तो चलिए जो हमने बैटर तैयार किया है, इस बैटर को हम एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। मैंने बैटर अच्छे से मिला दिया है, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स, तो चलिए इसको अच्छे से डाल दें। ये देखिए हमने बैटर अच्छे से डाल दिया इसमें, अब हम हल्के से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से लगाएंगे कुछ इस तरह। ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने थोड़े से पीस के बचा लिए थे, इसको ऊपर से ऐसे कुछ हल्के हल्के डेकोरेट कर लें ताकि ऊपर भी काजू बादाम और किशमिश अच्छे से दिखें। ये देखिए हमने इसको अच्छे से ऊपर से डेकोरेट कर दिया है और अब हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो इसको अब हम उसमें रख लेंगे। ये देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म है और मैं ये इसके ऊपर कटोरी के ऊपर ही इसको एज इट इज ऐसे रख दूंगी। आराम से रखें, कढ़ाई गर्म होगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर रख दिया है कढ़ाई से। इसकी आंच कम ही होनी चाहिए, गैस को तेज आंच में ना पकाएं वरना आपका केक नीचे से जल जाएगा। इसको कम ही आंच में रखेंगे। अब जो मैंने थोड़े से साबुत काजू बादाम रखे थे मैं इनको ऐसे ऊपर हल्के से डाल रही हूँ। ये देखिए ये हमारा केक ऊपर से पूरा डेकोरेट हो गया। वैसे जब ये फूलेगा तो ये काफ़ी साइड साइड हो जाते हैं, बट स्टिल ये अभी के लिए सही है। अब हम इसको एक प्लेट से ढक रही हूँ मैं अभी, ये केक का मैंने अभी केक का ढका एक प्लेट से, और पूरी कढ़ाई को मैं इस थाली से ढकूंगी। अब हम इसको आधे घंटे के बाद चेक करेंगे कि ये पूरा पका है या नहीं। अगर नहीं पका होगा तो हम इसको और पकाएंगे, और पक गया होगा तो गैस बंद कर देंगे। तो चलिए आधे घंटे बाद देखेंगे हमारी केक कितना हुआ है। लीजिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया, तो चलिए इसको हटा के देखते हैं। ये बहुत गर्म होगा, इसको आराम से हटाएं। हटा दिया मैंने, अब इस वाले ढक्कन को भी आराम से हटा लें, ये भी बहुत गर्म होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये बन चुका है आई थिंक। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाकू या फिर टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसमें डालें और देखिए एकदम साफ है, इसका मतलब हमारा केक बन चुका है। तो चलिए केक बंद कर लेते हैं। मैंने केक बंद कर लिया है, तो अब हम इसको कढ़ाई से हटा देंगे। तो चलिए इसको हटा लेते हैं, आराम से हटाएं, ये बहुत गर्म होगा। ये देखिए मैंने इसको हटा दिया है, आप देख सकते हैं ये केक कितना स्पॉन्जी बना है। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स केक बन चुका है एकदम अच्छे से। अब इसको 10 मिनट ऐसे ही ठंडा होने दें, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे इसको साइड से चाकू से निकाल के। तो चलिए 10 मिनट बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी प्लेट में। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए, अब हम इसको निकाल लेंगे चाकू से अच्छे से कर लें। वैसे काफ़ी निकला पाए क्योंकि बहुत स्पॉन्जी बना है, ये देख सकते हैं काफ़ी स्पॉन्जी है। इसको अच्छे से इसके सारे एजेस किनारों से अच्छे से कर लें, ठीक है। हमने इसको किनारे से अच्छे से कर लिया है। हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट को इससे कवर करेंगे केक को, और इसको उल्टा कर देंगे तो केक हमारा प्लेट में आ जाएगा। लीजिए फ्रेंड्स, केक को मैंने प्लेट में पलट दिया है, देखिए ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। ये लीजिए मैंने केक को सीधा कर लिया, अब आप देख सकते हैं ये अभी भी कितना स्पॉन्जी बना है। इसके ड्राई फ्रूट सारे कितने अच्छे से
दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। देख सकते हैं आप पूरा केक। और फ्रेंड्स, इसकी ख़ास बात ये है कि मैंने इस केक को कढ़ाई में बनाया है, उसके बाद भी ये बहुत स्पॉन्जी है। और सच बोलूँ ये बहुत अच्छा होता है ये केक खाने में, और इसमें किसी भी फ्रॉस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ड्राई फ्रूट्स केक है ये, ऐसा ही बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।